हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिबेंचर के चैप्टर के ऑलरेडी 4 to 5 पार्ट्स इसके बना दिए, आई होप आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके जल्दी से देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने बोर्ड एग्जाम रिलेटेड मोस्ट एमपी क्वेश्चंस वहीं पे बताए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और आपको सम्स आ सके। आज भी हम इस वीडियो के अंदर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट सम देखने वाले हैं। बराबर, लास्ट टाइम मैंने दो बताए थे, आज दो बता रहा हूँ जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। बराबर, तो आज हम लोग 18 नंबर का देखेंगे। सत्यम शिवम हमने कल देख लिया था, आज है हमारा सुंदरम। ठीक है, तो सुंदरम लिमिटेड 14,008% डिबेंचर ऑफ 300H एट प्रीमियम 5%, देयर डिबेंचर आर रिडम्स रिडीमेड ऑन 13/6/2023 एट 330 पर डिबेंचर। राइट द एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी विदाउट नरेशन। आपको जनरल एंट्री लिखनी है, बट पहले इसके पहले आप लोग जो वैल्यूएशन दिए उसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। 14,000 के डिबेंचर इशू किए, प्राइस थी 300, प्लस ये लोग ने बोला है 5% प्रीमियम, तो 300 का 5% करता हूँ तो मुझे 15 मिलता है। मीन्स मैंने 315 रुपीज में इशू किया है, और ये लोग ये बोल रहे हैं ये इशू किया है और रिटर्न करने के टाइम मुझे 330 रुपीज रिटर्न करने हैं, ऐसा बता रहे हैं। कोई बात नहीं, और 8% के डिबेंचर है, कितने के 8%। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्रीज आपको एडिंग मारना कंपलसरी है। जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सिद्धपुर सुंदरम लिमिटेड, सिद्धपुर का जो सुंदरम है ना उसके लिमिटेड में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हमने इशू किया तो हमारे बैंक में अकाउंट में क्या आएगी अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। आपको फुल्ली लिखना है जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड, इस तरीके से लिखना है। क्या करोगे, 8% डिबेंचर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। अच्छा चलो मल्टीप्लाई करो, 14,000 × 350, आपको आंसर मिलेगा 44,10,000 रुपीज। 44,10,000 रुपीज जो मैं दोनों साइड लिख दूंगा, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड। चलो ठीक है सर, हमने इश्यू तो कर दिया, अब ये अमाउंट हम लोग ले जाएंगे हमारे कैपिटल में। तो देखो अब यहाँ से समझना, प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मालूम पड़ेगा और नहीं तो नहीं मालूम पड़ेगा। 8% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, और बट हमको लॉस होता है, सुन लो पहले लॉस होता है। कैसे लॉस हो रहा है सर मुझे बताओ, मुझे नहीं मालूम। चलो मैं थोड़ा सी ब्रीफ में नहीं पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि हमने 300 के डिबेंचर इशू किए थे, उसकी वैल्यू थी 300, मुझे रिटर्न कितना करना है 330, तो मुझे 13 रुपीज का लॉस होगा बेटा, जो कि मुझे मालूम पड़ गया है इशू के टाइम में। तो लॉस इन इश्यू अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमको मिले थे वो, एंड टू सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज देखो दो टाइप्स की बेटा, एक तो है सिक्योरिटी प्रीमियम्स, एंड इसको बोलेंगे जो सेकंड है ना बेटा उसको लिख लेना आप लोग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिडम्पशन। ओके, नहीं होता एक बार इल्यूजन में देख लेना आपको मिल जाएगा। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर जो एंट्रीज करनी है उसके लिए थोड़ा सी मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो दो सिक्योरिटी आपकी क्रेडिट होगी, क्योंकि जब आपने इशू किया तब भी आपको सिक्योरिटी मिली है, और जब आप रिटर्न कर रहे हो तब भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडम्पशन सिक्योरिटी प्रीमियम आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान देना बेटा, थोड़ा सी यहाँ ध्यान दे लो थोड़ा सी। तो 44,10,000 रुपीज हमारे एप्लीकेशन आई है, जिसमें प्रीमियम और कैपिटल दोनों मिक्स थे। तो मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग लिख रहा हूँ, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 14,000 × पहले तो मैं करूंगा 300, तो मुझे अमाउंट मिलेगी 42 लाख रुपीज। अब मैं करूंगा 15, क्योंकि प्रीमियम कितने का आया बेटा 15 रुपीज का है। देखो जब हमने इशू किया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जब हमने ये शेयर इशू किए थे तब हमको 15 रुपीज मिले थे। तो 15 रुपीज मीन्स 2,10,000 होता है, चेक करो आप लोग, 2,10,000 रुपीज मिले थे। तो ये पहले हमने इसकी ट्रांजेक्शन कर दी, और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था
कि आप जो ये शेयर पे एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न करते हो, मीन्स एक्स्ट्रा 13 रुपीज है, तो 4,20,000 रुपीज आप लोग रिटर्न करोगे एक्स्ट्रा, वो आएगा लॉस इन इशू में, और उसको बोलेंगे रिडम्पशन सिक्योरिटी प्रीमियम, जो मैंने लिख दिया, देख लो एरिया। आइए बेटा चल आ रही है, चाहे तो काउंटिंग लिख लो, स्क्रीनशॉट पढ़ लो, आप पे बेटर है, बराबर। बस इतना लिखना मेन है, बस यही चीज इसमें मेन थी, मैं बाकी का हटा दे रही हूँ, बाकी ऐसे ही रहने दे रही हूँ। अब बस आपको क्या करना है, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करो, और आप लोग उनको शेयर होल्डर का नाम लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे एक ये डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिडम्पशन वाला है, ये दोनों आपके जो क्रेडिट है वो हो जाएंगे अब डेबिट। देख लो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू, और सिक्योरिटी रिडम्पशन सिक्योरिटी अकाउंट डेबिटेड टू, ये अमाउंट किसको मिलेंगे, डिबेंचर होल्डर्स को, तो टू डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटेड 42 लाख रुपीज, 4,20,000, टोटल होएगा 46,20,000 मुझे डिबेंचर होल्डर को पे करने, ठीक है। और ये अमाउंट मैं उनके घर पे जा जाके नहीं दूंगा, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में से रिटर्न कर दूंगा, 46,20,000, 46,20,000, कुछ इस तरीके से आपको पूरी जनरल एंट्री करनी है, कुछ इस तरीके से पूरी जनरल एंट्रीज आपको करनी है, ताकि आप लोग उनको सारे डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर का सम है, बराबर इसको भी देख लो। इसके अंदर लिखा है 1/7/2070 को पारस फार्मा लिमिटेड इशू 20,009% डिबेंचर ऑफ 400 एचआरबी रिडम्पशन 7 ईयर एट द प्रीमियम 12%। ओके, ये लोग ने इशू किया 9% के 400 के, और 12% प्रीमियम से रिटर्न करना 7 साल के बाद लिखा है। एज पर द कंडीशन प्रोपोजिशन द अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन 125, यानी देखो अब एप्लीकेशन के टाइम इनको मिला है 125, और क्या लिखा है, एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ द टाइम अलॉटमेंट, बाकी की अमाउंट इनको कब मिली है, अलॉटमेंट के टाइम, यानी कि 125 इनको स्टार्टिंग में मिले, और बाकी के 275 तभी 400 होगा, तभी 400 होगा ना, ये कब मिले, अलॉटमेंट के टाइम, ठीक है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक ऑफ द कंपनी। अब बेटा इसके अंदर क्या है, खबर है पूरा ये 18 नंबर के समझे से, बट थोड़ा सी चेंजेस हुआ क्या, पहले आप लोग को एप्लीकेशन मिलेगी, फिर आपको अलॉटमेंट मिलेगा, ऐसा है। तो पहले एप्लीकेशन की जनरल लिख डालो ना यार, मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन की जनरल लिखाई है कि नहीं, तो लिखो। देखो फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिटेड, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है, कितने डिबेंचर थे, तो सर 20,000 है, इंटू 125 कर दो आपको मिलेंगे 25 लाख रुपीज। 25 लाख रुपीज आपने क्या कर दिया, 25 लाख रुपीज आपको एप्लीकेशन के मिले, जो मैं ले जाऊंगा कैपिटल में, बस यहाँ पे ऐसा ही देख लो, 9% एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड 25 लाख 25 लाख एज इट इज। तो सर ये वाली कहां गई, आपने 7 ईयर्स के बाद रिटर्न करना है रिडम्पशन, क्या बोलते हैं, रिडम्पशन सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब कहां आएगी, ये सारी डिटेल्स आएगी अलॉटमेंट में, बस इतना ही समझाना है और कुछ नहीं समझो, एप्लीकेशन में कुछ नहीं, डायरेक्टली आप लोग को कहां पे मिलेगा, अलॉटमेंट में। देखो 9% अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस इन इश्यू अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी अकाउंट हो जाएगा। सिक्योरिटी मीन्स ये रिडम्पशन सिक्योरिटी जो हमको रिटर्न करना है, बराबर यही वाले लॉस वाले। तो देखो अब अलॉटमेंट के टाइम कितनी अमाउंट आएगी, तो 20,000 इंटू करो 275 करके देख लो आप लोग को 55 लाख रुपीज मिलेंगे, 55 लाख रुपीज मिलेंगे, ठीक है। और वही अमाउंट हमारी तो कैपिटल में चली जाएगी, पहली बात, ओके। देन नेक्स्ट जो लॉस ऑन इशू है 20,000 है, जो मुझे 7 ईयर के बाद 12% प्रीमियम से रिटर्न करने हैं 20,000, तो 400 का पहले तो 12% करो 36, तो मुझे कुछ 9,16,000, कितना बेटा 9,16,000 मुझे रिटर्न करने हैं, यस वही अमाउंट आएगी 12% प्रीमियम से, ओके 12% प्रीमियम से अगर आप करोगे तो आपको वही अमाउंट मिलेगी 9,16,000 रुपीज, ओके। अब ये अमाउंट फोर्थ नंबर की ये अमाउंट आपको रिसीव होगी, अलॉटमेंट की लिख रहे आप लोग, रिटर्न की नहीं लिखी, यहाँ पे क्या बोला है,
खाली देखो, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द बुक ऑफ द कंपनी, खाली पास करनी है, इशू करने की, रिटर्न करने की नहीं बोला है, ठीक है? रिटर्न तो 7 साल के बाद होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड 55 लाख एंड 55 लाख, बस 9,16,000 आपको बताने थे, 9,16,000 आपको सिर्फ और सिर्फ बताने थे। जस्ट सेकेंड, चलो मैं बता देता हूँ। 48 होता है 20,048, करोगे तो 9,16,000। ओके, अब ये 48 कहाँ से आया? तो 400 के जो इशू प्राइस थी उसका 12% कर डालो आप लोग, 48 मिल जाएगा। 12 × 4 कर दो, 48 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा ये वीडियोस कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को मालूम पड़ी होगी। एक और लास्ट वीडियो आएगा इसके बाद, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के जो सम्स है आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग चाहे तो उसकी प्रैक्टिस कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। लास्ट टाइम मैं आपको कुछ 2 से 3 क्वेश्चन करा दूंगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको आ भी सकते हैं, बहुत ईजी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हमारी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।